राहुल अब मच बेटर है, कम से कम फिलहाल की तो ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हुई। क्या हुआ रीता, ये क्या कर रही हो तुम? रीता ये क्या कर रही हो तुम? अरे क्या कर रही हो तुम? कसमें खाई थी ना आपने, कहा था ना आपका और उस माया का कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर आपको फोन क्यों कर रही है? क्या माया का फोन? ये आपकी नई शुरुआत है? मुझे नहीं पता कि इतने सालों में माया ने मुझे क्यों फोन किया। अरे मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसके पास मेरा नंबर कहाँ से आया। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, कितना झूठ बोलेंगे आप? क्यों क्यों कर रहे हो आप मेरे साथ ऐसा? रीता मेरा विश्वास करो। विश्वास करूं मैं आपका? आपका विश्वास करूं? हाँ कोशिश की थी आपका विश्वास करने की मैंने, मेरा भगवान जानता है ये नहीं कि आपने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन ये विश्वास करने की कोशिश की थी कि आप मुझे झूठ नहीं बोलेंगे। मुझे नहीं पता कि माया ने मुझे इतने सालों बाद फोन क्यों किया है, पर इस बात को मैं साबित नहीं कर सकता। मगर रीता, रीता मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं हमारी बच्चियों से बहुत प्यार करता हूँ। इतने सालों बाद तो मेरे सर से भूत उतरा है जल्दी पैसा कमाने का। इतने सालों में पहली बार तो मैंने कोई सपना देखने की कोशिश की है रीता, पर उन सबकी वजह तुम हो रीता, सिर्फ तुम। मैं खुश हूँ रीता, तो मैं क्यों उन सबको दांव पर लगाऊंगा? इस सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। मेरे पास क्या? दुनिया की किसी औरत के पास नहीं है जिसका पति उसको छोड़कर किसी दूसरी औरत के साथ में संबंध रखता है। अब मैं क्या करूंगी? जैसे तैसे करके मैंने अपने आप को मनाया था कि एक शक के साथ में मैं जी लूंगी, मगर इस भरोसे के साथ जीना कि मेरा शक सही था। मैं कैसे जीऊंगी? बोलिए मैं कैसे जीऊंगी? आपको हमारी बच्चियों का भी ख्याल नहीं आया क्या? मुझे तो कोई बैंक लोन भी नहीं देता। क्यों, आपको किसी लोन की जरूरत है? राजकोट में हमारे बैंक का ब्रांच है, आप कहो तो मैं बात कर लूं। अच्छा भाई परिमल, ऐसा है जो मेरी फैक्ट्री है उस पर तो लेनदारों का ताला है, लेकिन जो फैक्ट्री के पेपर्स है वो मेरे नाम पर है, वो मेरे पास है। तो अगर तेरा बैंक मेरे फैक्ट्री के पेपर्स पर लोन दे दे तो मैं अपना लोन चुका के अपनी फैक्ट्री शुरू कर सकता हूँ। नहीं मामा जी, वैसे नहीं हो पाएगा। क्या है ना, जब प्रॉपर्टी के पेपर्स लिए जाते हैं तो ये भी देखा जाता है कि जो आदमी लोन ले रहा है उसका उस प्रॉपर्टी पर कब्जा हो, और आपका तो बिजनेस भी नहीं चल रहा है, फैक्ट्री बंद है, तो बिजनेस लोन भी नहीं हो पाएगा। परिमल ये तो कायदे कानून की बात हुई ना, जहाँ जान पहचान में काम हो रहा हो वहाँ तो इतना ऊपर नीचे चलता ही है। मतलब आप क्या चाहते हैं कि मैं अपने ही बैंक में फ्रॉड करने में आपकी मदद करूं? फ्रॉड? अरे भाई इसमें फ्रॉड कहां से आ गया? मैं तो बस थोड़ी सी एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूं। एडजस्टमेंट नहीं, फ्रॉड है ये। मामा जी आप जानते हैं जिस एम्प्लॉय ने आपकी मदद की ना बैंक लोन के लिए, उसकी नौकरी जा सकती है, और इस फ्रॉड के लिए आपको जेल भी हो सकती है। आई एम सॉरी, पर आपने सोच कैसे लिया कि मैं आपकी मदद करूंगा इस इलीगल काम में? अरे भाई सोचा नहीं था परिमल, उनके जाओ। मुझे लगा था कि मुश्किल के वक्त परिवार के लोग ही एक दूसरे की हेल्प करते हैं। मामा जी आप ऐसे वैसे काम के लिए हेल्प नहीं मांग रहे हैं, चोरी करने में हेल्प मांग रहे हैं, चोरी।
रीता, क्या हम 2 मिनट इस बारे में बात कर सकते हैं? मैं एक बार फिर कह रहा हूं रीता, मेरी कोई गलती नहीं है और मैंने कुछ गलत नहीं किया। अरे मगर आपको कैसे पता कि जो हुआ है उसमें निरंजन भैया की ही गलती? क्योंकि निरंजन भैया के साथ जब भी कुछ गड़बड़ होती है मोस्ट ऑफ द टाइम गलती उन्हीं की होती है। और कुछ दिन पहले जो मैंने देखा था, मुझे लगा ही था कि निरंजन भैया की लाइफ में कुछ गड़बड़ होने वाली। ऐसा क्या देखा आपने? किस किस ने नहीं देखा आपको उस माया के साथ? कुछ दिन पहले राहुल ने देखा था, जो कि आप ही ने मुझे बताया। इसलिए नहीं क्योंकि आप बड़े ऑनेस्ट हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो मुझे अदरवाइज भी बता देता। अरे मैंने तुम्हें ये भी तो बताया था ना कि वो मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड थी। अच्छा, 2 दिन पहले मेरी फ्रेंड ने आपको किसी लड़की के साथ में मॉल में देखा। जरा बताएंगे कि वो किसकी गर्लफ्रेंड थी मॉल में? मगर रीता, लास्ट टाइम तो मैं तुम्हारे साथ गया था मॉल में, और ये तो पिछले महीने की बात है। उसके बाद तो मैं कभी मॉल में गया ही नहीं हूँ। मतलब सब झूठ बोल रहे, सब आपके दुश्मन है, मेरी फ्रेंड भी और आपका सगा भाई भी। मेरे सगे भाई ने जिसे देखा था ना, उस लड़की को और उसके बॉयफ्रेंड को मैं अभी तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर सकता हूँ। और रही बात तुम्हारी फ्रेंड की, उसे जरूर कोई गलतफहमी हुई। और वो माया का फोन? अरे यार, उसका तो मैं तुम्हें खुद कह चुका हूँ ना कि मुझे खुद नहीं पता, तो मैं तुम्हें क्या बताऊँ? That's it. Here is your answer. कहाँ से होगा ताई? कहाँ से होगा? आज मैंने इस बारे में परिमल से भी बात की थी। मैंने कहा भाई, मेरे फैक्ट्री के पेपर्स पर अपने बैंक से कुछ लोन दिलवा दे, तो उसने मुझे ही डांट दिया। परिमल ने ऐसे किया? हाँ ताई, लेकिन उसकी भी क्या गलती है? मुश्किल में फंसे हुए इंसान की मदद आज की दुनिया में कौन करता है ताई? और वो भी मुझ जैसा इंसान, मुझ जैसा बदनसीब इंसान तो इस सारी दुनिया में नहीं होगा ताई। ताई, ताई, आप परिमल से कुछ मत कहना, उसे लगेगा कि मैंने उसकी शिकायत आपके पास की है। ताई, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपके रिश्तों में दरार आ जाए। मैं चलता जी। रो क्यों रहा था? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, तेरी वजह से। क्या मेरा भाई इतना बुरा लगता है तुझे? अगर ऐसी ही बात थी तो वैसे कहा क्या मामा जी ने, मैंने उनके साथ क्या किया? उसने तुझसे बैंक से लोन दिलवाने की बात की थी और तूने उसे डांट दिया। देख परिमल, अगर तुझे हेल्प नहीं करनी है तो ना कर, लेकिन उसे डांट। एक मिनट माँ, क्या मामा जी ने तुम्हें ये बताया कि मैंने उन्हें डांटा क्यों? हाँ कहा, उसने कहा कि उसने तुझसे लोन दिलवाने की बात की। लोन लेने के लिए नहीं, मेरे बैंक को धोखा देकर लोन लेने की बात की थी। ये मामा जी अपने फायदे के लिए चाह रहे थे कि मैं अपने बैंक से फ्रॉड करूं। कब तक चलेगा ये सब? कैसे खत्म होगा ये? ये जो हो रहा है ना, ये आपकी गलती का रिजल्ट है और ये रिजल्ट आपको देखना ही पड़ेगा, सहना पड़ेगा। जैसे मैं सह रही हूँ, इस बार या तो आप सच्चे साबित होंगे या फिर करिए अपनी माया को फोन, मैं बात करूंगी उससे। और अगर उसने मुझे आप दोनों के अफेयर के बारे में फोन पे मना किया ना, तो मैं जाके मिलूंगी उससे। मगर इस बार मैं सच्चाई का पता